पावर स्टार पवन सिंह को बलिया में पत्थर से मारा गया। जी हां, पावर स्टार पवन सिंह का बलिया में कल शो था, जिसी के दौरान पावर स्टार पवन सिंह को किसी ने पत्थर से स्टेज पे मारा। जो लोग मारे हैं उन्हें तो पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। यार तुम्हारे अंदर तो थोड़ा भी इंसानियत होना चाहिए कि भोजपुरी के एक इकलौता पावर स्टार को आप मार रहे हैं। इकलौता शेर हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, उन्हें तुम पत्थर से मार रहे हो। कोई भी कलाकार हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे अरविंद केला कल्लू हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, कोई भी हम लोगों को मनोरंजन करवाने के लिए आते हैं, अगर उन्हें पत्थर से मारा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पूरा स्टेज का माहौल ख़राब हो जाता है, फिर स्टेज का कोई मज़ा नहीं रह जाता है। जैसे कि कल रात को हुआ, पावर स्टार पवन सिंह ने पूरा स्टेज को छोड़ दिया और वे वहाँ से चले गए। आखिर वहाँ पर क्यों रुकते जहाँ पर उन्हें इज्जत ही नहीं दिया जाता है। किसने मारा पता नहीं, लेकिन इंजाम अब खेसारी लाल यादव के फैन पर लगेगा कि खेसारी लाल यादव का किसी फैन ने पावर स्टार पवन सिंह को पत्थर से स्टेज पे मारा है। इसे किसी का फैन नहीं कहेंगे, चाहे वे जिसका भी फैन हो उन्हें रिस्पेक्ट करने आता है। इसे एक दोगलापन इंसान ही कहेंगे जो सिर्फ अपने कलाकार को छोड़कर दूसरे कलाकार को इज्जत बिल्कुल नहीं करने आता। तुम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार को क्या समझ लिए हो? किसी को पत्थर से मारोगे, किसी का मन करेगा किसी की बेटी पे गाना गा देगा? तुम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को कलाकार को क्या समझ लिए हो? वहीं पर पावर स्टार पवन सिंह अगर दो थप्पड़ तुम्हें पकड़ कर मार देते तो पूरा हल्ला करते चलते कि पावर स्टार पवन सिंह ने मुझे मार दिया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि सभी जानकारी पहुंचे सबसे पहले आपके पास।